हमको लेह लद्दाख का परमिट अप्लाई करना है। और हम दोनों को आया एक ही में ग्रुप में आता तो ग्रुप में कर दिया हमने। सामने पहाड़ों की एंट्री ले सकते हो आप, सामने क्या ही नज़ारे पहाड़ों के। देवभूमि हिमाचल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये पूरा मनी टाउन का इधर रास्ता और मैं जाना राइट के लिए कुल्लू मनाली। और इंजन का ऑयल भी थोड़ा तेज पतला हो गया, इंजन का ऑयल भी आ रहा है ना। हिमाचल में काफ़ी चलता है और वीडियो रील्स वगैरह काफ़ी आता है। तो वैसे मोमोज यहाँ के और पिंकी के देख सकते हो आप, काफ़ी बड़े यहाँ के मोमोज काफ़ी बड़े हैं। कि मैंने टैबलेट खाई और मुझे सिर और ठंड लगने लगी, यहाँ था सिर ठंड लगने लगी और वॉमिटिंग हुई, उसके बाद आराम मिला। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम रोहित आदिर, आई एम ब्लॉग्स एंड टूरिस्ट। और अभी खड़े हुए हैं हम 12 से 15 किलोमीटर पहले, हम जा रहे हैं ग्वालियर से लद्दाख, वो भी 100 cc बाइक से। और इसमें हम होने वाला है उमरेला पास शामिल, जिसमें हम उमरेला पास करके आएंगे। और अभी हम खड़े हुए हैं ऐसे कि यहाँ पर पेट्रोल पम्प पे, और सुबह मॉर्निंग टाइम हो रहा है और सुबह मॉर्निंग 5:18 हो गए देख सकते हो ऐसे कि आप। और हम रेडी हो रहे हैं, फ्रेश वगैरह करते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं यहाँ पर। अभी लॉक लगा हुआ है फ्रेश होने के लिए, लेकिन अब तक हम ब्रश करते हैं। भैया उठ जाएंगे अभी, उनसे चाबी ले लेंगे, हम चलेंगे फ्रेश होने के लिए, पहले ब्रश करते हैं। तो गाइस फ्रेश वगैरह हो लिया हमने और ये बाथरूम है काफ़ी अच्छा है, नीट एंड क्लीन। रेडी हो गए हम निकलने के लिए, जाना कुछ नहीं, और हमें टेंट पैक करना, टेंट पैक किया नहीं है अभी, टेंट पैक करेंगे पहले। और देख सकते हैं हमारा सामान पहला पड़ा हुआ है अभी तो। और रेडी होते हैं, निकलते हैं यहाँ से, गाड़ी उठा कर लेके आते हैं, यहाँ लगाते हैं, उसमें सामान स्पिट करते हैं। आज उसमें वाटर प्रूफ करना पड़ेगा, उसको पन्नी वगैरह बांधनी पड़ेगी जिससे दिक्कत ना आए, और बारिश चांसेस लग रहे हैं पहाड़ों में, बारिश आ सकती है। चलिए चलते हैं सब, ये देखते हैं जैसे भी रहता है। कम से कम मनाली तो पहुँचनी है, आराम से पहुँच जाएंगे, इसलिए हम जल्दी निकल रहे हैं जिससे मनाली पहुँचा जा सके। तो बाकी बने रहें वीडियो में, और आप इससे पिछले वाला ब्लॉग को चेकआउट कर सकते हो। इससे पहले हम आए थे ग्वालियर से, हम 12 से 15 किलोमीटर पहले, तो पूरा इसमें आए और 518 किलोमीटर 520 किलोमीटर की गाड़ी चलाई थी हमने यहाँ पर। चलिए सेटअप करते हैं टेंट अपना, तो मिलते हैं आपको टेंट सेटअप करने के बाद। रात को हमने गाड़ी यहाँ पर लगा दी 3 सीट के नीचे, और यहाँ सुरक्षित थी, क्योंकि कैमरे में थी यहाँ पर, उसके कारण कोई दिक्कत नहीं थी। और ये पेट्रोल पम्प है और हमारी गाड़ी सेफ रखी हुई यहाँ पर, जैसे सामान था सामान बंदा हुआ है पूरा, आप उसको लेके चलते हैं उधर और सामान फिट करते हैं। एक बार रखी हुई यहाँ पर, मुझे अपनी रखी हुई है अपना इंडियन फ्लैग। चलिए चलते हैं यहाँ से और अपनी गाड़ी सेट करते हैं, सामान वगैरह लूट करते हैं। इस पर सेटअप डन हो चुका अपना, और पेट्रोल फिर जाते हैं इसे ही पास में, पेट्रोल डालते हैं क्योंकि अंदर नहीं जाना पड़े, और गाड़ी पेट्रोल भी ख़त्म है, और पानी बोतल भरनी है, पानी भरेंगे हम। चलिए चलते हैं यहाँ से, और अंकल जी तो काफ़ी बात करी अंकल ने, और हमारे अभी 42,002 किलोमीटर हो गया देख सकते हो सर कि आप, और अभी चल रहे हैं आगे की साइड। तो पहले पानी भर लेते हैं गाड़ी अपनी बोतल में, पूरी बोतल खाली कर दी हम सारी, एक बोतल भर लेते हैं बस, जहाँ देखो नहीं पानी की, बाकी पानी तो मिल ही जाता है। अब पानी भर रखने में कोई फ़ायदा नहीं है, बोतल परेशान करती है फिर बाद में। तो चलते हैं अभी और पेट्रोल आगे डालेंगे बाहर पेट्रोल पम्प से। हमारे 2 किलोमीटर कंप्लीट हुए हैं अभी, और कल की ट्रेन हमने 520 किलोमीटर कवर किए थे। अगर आप भी कहीं घूमने जाते हो, ट्रैवल करते हो, तो जो फर्स्ट 100 किलोमीटर है वो आराम से चलाया करें, और कहूँगी हमेशा जल्दबाजी होती है तो दिक्कत तभी होती है, और कभी जल्दी आप पहुँचने वाले हो लौट कर तब भी 100 किलोमीटर आराम से चलाएँ, क्योंकि जल्दबाजी होती है आने निकलने में और लौटने में। और फर्स्ट डे हमने जान से जाना कवर किया, क्योंकि आगे पहाड़ मिलने वाले हैं और हमको धीरे धीरे चलना होगा पहाड़ों पर। पहाड़ों पर कम से कम 60-50 की स्पीड रह पाती है, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं रह पाती। और हमको 15 दिन में 350 से प्लस किलोमीटर कवर करना है, तो हमको पर डे का 250 किलोमीटर से ज़्यादा कवर करना पड़ेगा, तो हमारे 35 किलोमीटर होंगे। और हमको घूमना भी है, ओनली एक्सप्लोर एक्सप्लोर नहीं करना, मस्त घूमेंगे बढ़िया। तो वैसे यहाँ से शिमला के लिए नीचे से जाना है, और चंडीगढ़ के लिए नीचे से जाना है, पटियाला लुधियाना सीधे। और स्वागत है आपका अम्बाला में, ये अम्बाला का बोर्ड आ चुका है, गोरा सीधे चला गया है, यहाँ से बाईपास लेना था हमको राइट में, अब वो लौट के आगे से आया घूम के आ गया गोरा, पता नहीं कहाँ से मोड़ डाल लिया था उसने, आ गया, लेकिन थोड़ा आगे आगे मिला था मेरे को, वेट कर रहा था उसे, थोड़ा आगे आ गया घूम फिर के। और हम आ चुके हैं टोटल 20-22 किलोमीटर वहाँ से, यहाँ हम रुके हुए थे, अभी 300 किलोमीटर रह गया है समथिंग मनाली। तो भाई हमको बाहर के बटन तो नहीं मिला, घूम फिर के इंडियन ऑयल पर ही आना पड़ा। तो फिर कहते हैं पेट्रोल 97.76 है, और पीछे 96 समथिंग था, 95, 950 पेट्रोल आ गई पूरी, और फुल हो चुका है 50 रुपये की और आती चाहते हो, लेकिन भैया टाइम तो और पीछे गाड़ी खड़ी थी, ठीक है 950 रुपये की होटल वाले गोरख में आई हुई, 1000 रुपये समथिंग आई है, ऐसे कम ही आएगी बल्कि। पंजाब का पेट्रोल पम्प था, और पंजाब में पेट्रोल है 97.53, 97 रुपये, अगर से पहले थोड़ा डाल देते हम
तो वहाँ पे 95 थी, ठीक है हम सोचा आगे बराबर ही होगी, लेकिन आगे पंजाब लग गया। और चंडीगढ़ को बाईपास करके निकल जाएंगे हम, चंडीगढ़ घुसने नहीं है हमको, उससे बाईपास ही रास्ता है, हम चलते हैं रास्ते में 300 किलोमीटर समथिंग रह गया, 288 किलोमीटर मतलब समथिंग 40 किलोमीटर कवर कर लिया पहले, और 280 किलोमीटर रह गया मतलब, और 320 था वहाँ पे। और चलिए चलते हैं सभी, है रास्ते का आनंद लेते हुए, काफ़ी अच्छा व्यू सामने देख सकते हो जैसा कि आप, मस्त व्यू आ रहा है एक नंबर। ट्रैफिक लगा हुआ है काफ़ी लंबा, मतलब कि पंजाब में एंट्री करें ट्रैफिक ट्रैफिक मिल रहा है, जब से पंजाब में एंट्री हुई है, कहूँ 2 लेन हाईवे है, और उधर पूरा 4 लेन हाईवे था, एक साइड सिंगल साइड का 4 लेन, और दो साइड का लगा था 8 लेन था, और ये 4 लेन हाईवे पूरा है, तो काफ़ी यहाँ जाम मिल रहा है, पीछे भी 2 बार जाम मिल गया है, काफ़ी टाइम बर्बाद हो गया जाम के चक्कर में। ये पहुँच चुके चंडीगढ़, और लिखा वेलकम टू चंडीगढ़ द ब्यूटीफुल सिटी, चंडीगढ़ में आप सबका स्वागत है। यहाँ का अलग ही सिस्टम है, कार के लिए अलग, बाइक के लिए अलग, और एम्बुलेंस के लिए जगह है, क्योंकि जहाँ ट्रैफिक होता है यहाँ से निकल सकती है, और पेड़ों के नीचे से देख सकते हो आप, क्या ही अच्छी जगह है, थोड़ा धूप यहाँ छाँ आराम से, इस चला गाड़ी ऐसा रास्ते हो तो रास्ते का मज़ा ही अलग है, एक नंबर। पहले हम उस साइड चले गए थे, लेकिन देखा सब लोग जैसे बाइक वाले इधर से जा रहे हैं, तो हम भी इधर ही आ गए, बाइक वाले लाइन में उस साइड है, मैं इस साइड आ गया था, मुझे पता नहीं समझ में नहीं आ रहा जाना के साइड, मैं बता रहा था तो मैं इधर ही आ रहा हूँ, यहाँ से लेफ्ट लेना है मेरे को। पेड़ को नीचे मस्त ठंडी ठंडी हवा, धूप नहीं कोई दिक्कत नहीं, चार तरफ पेड़ है तरफ, मस्त एक नंबर। और यहाँ से मनाली जा गया है समथिंग 268 किलोमीटर। तो भाई अभी देखो यहाँ पर और गौरव आ रहा है पीछे, समथिंग गौरव 4-5 किलोमीटर पीछे रह गया है, क्योंकि मैं आगे निकल आया था चंडीगढ़ पर, अलग हो गए थे वहाँ से, मैं अलग मैप लगा दिया उन्होंने, तो उससे बोलती थी कुराली हाईवे मिल जाए, कुराली बाईपास पर मैं बैठा हुआ हूँ अभी, 7 मिनट भी कम से कम वो 10-5 मिनट लगेंगे उसको आने में, वेट करते हैं हम भी यहाँ पर, चाय पीएंगे यहाँ पर, सुबह चाय नहीं पी और टाइम 10:15 हो गए हैं, और समथिंग हम 70-80 किलोमीटर आ चुके हैं वहाँ से, और उतना यहाँ से 25 किलोमीटर समथिंग रह गया है, तो आप वेट करते हैं उसका। तो गाइस गौरव आ चुका है, और रास्ते में खो गया था, कहाँ खो गया था बीच में, अरे यार इतने सारे चौराहे यार वहाँ पे यार, अंदर घुस गए सिटी में, मैप लगाया नहीं, और भाई सिग्नल पे जा रहे हो मुझे मत ही, मतलब भाई 1 किलोमीटर चल रहा है फिर चौराहा आया, तो सिग्नल 1 किलोमीटर चल रहा है चौराहा, अंदर घुस गए पागल हो गए तो भाई, इतना ट्रैफिक है बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, और हम गलती से ऐसे अंदर चले गए थे, हमने मैप नहीं लगाया था पहले, लेकिन ठीक है अंदर देख लिया कैसा क्या है चंडीगढ़, और यहाँ पे हमने चाय का ऑर्डर दे दिया भैया को, 2 चाय और 2 पराठे, यहाँ टेस्ट करते हैं। तो भाई ये आ चुके हैं चाय और पराठा, पराठा का टेस्ट लगा दे सकते हो गरम गरम मस्त, और टेस्ट करते हैं बताते हैं आपको, जैसे भी है अच्छा लग रहा देखने में, तो काफ़ी अच्छा है, ये तो अच्छा है लेकिन थोड़ी शक्कर थोड़ी ज्यादा है, लेकिन बढ़िया है, पराठा चेक करते हैं पराठा भी, लेकिन वो पराठा है मज़ा आ गया, और जो पराठा 30 रुपये का है, अच्छा है 15 रुपये की चाय है, और टेस्ट तो काफ़ी अच्छा ही है सही। तो दोस्तों हमको लेह लद्दाख का परमिट अप्लाई करना है, क्योंकि वहाँ पहुँचने से पहले हमें अप्लाई करना पड़ेगा, इससे हमें मिल जाएगा आलगियर, वह तो आलगियर मिल जाता है, आप कहीं भी अप्लाई कर दो आलगियर आप पेमेंट कर दोगे तो आपको परमिट मिल जाएगा, और इसमें 400 रुपये एनवायरमेंटल फीस है, और इसके अलावा 20 रुपये पर डे के हिसाब से फीस लगती है इसमें, और बाकी आपको डिटेल में पूरा अलग देखने मिल जाएगा कैसे अप्लाई करना है, कैसे करना है आपको, पूरी इसकी साइट आती है वेबसाइट, ऑनलाइन उस पर करना है, तो अप्लाई करते हैं उसको और बताते हैं उसको अप्लाई करने के बाद, हम अप्लाई कर रहे हैं और इसमें देख सकते हो आप 280 रुपये हमने 7 दिन का अप्लाई किया है, 2 लोगों का है इसमें, ये गौरव का भी मेरा भी है, तो 140 रुपये पर्सन है, 7 दिन का 140 रुपये 20 रुपये हिसाब से पड़ रहा है, और 400 रुपये एनवायरमेंटल फीस है, 800 रुपये 2 लोगों का, टोटल 180 रुपये हो रहा है, और कंट्रीब्यूशन के लिए आप कंट्रीब्यूशन करना है तो कर सकते हो 50 रुपये पर पर्सन साइज से, और इसमें हम दोनों को आए एक ही में ग्रुप में आता तो ग्रुप में कर दिया हमने, पेमेंट करनी है बस, हमारा जो परमिट है वो आ जाएगा, यहाँ पर हमने 1 सीटर इंटरेस्ट कर लिया है और परमिट भी अप्लाई हो गया है यहाँ पर, और अगर आप परमिट अप्लाई कर रहे हो तो ऑनलाइन कर सकते हो, बाकी अगर आप ऑफलाइन लेते हो तो ऑफलाइन काफ़ी सारे फ्रॉड चल रहे हैं, और वेबसाइट पर बताया गया था, क्योंकि आप अगर ऑफलाइन कोई बोल रहा है तो उसको ना लें, क्योंकि फ्रॉड बहुत सारे हो रहे हैं, और आपको डुप्लीकेट कॉपी दे देते हैं और किसी की, तो आपको लगता है कि आपकी है, उस आपका नाम डाल देंगे उस पर ऐसे करके आपको दे देंगे, और कुछ नहीं रहता, वो डुप्लीकेट रहता है सागी, और ठीक है हमने ले लिया अपना परमिट और चलते हैं यहाँ से, और उसमें रूल्स वगैरह भी हैं कि आप पढ़ सकते हो, एडवाइजरी भी है कि आप कैसे रहना है कैसे क्या करना है आपको सब कुछ है उसमें, तो आप पढ़ सकते हो आराम, पूरे पढ़ के आराम जा सकते हो, बाकी चलिए चलते हैं यहाँ से, सामान पैक करते अपना हेलमेट वगैरह है और थोड़ा पानी पी, चलते निकलते हैं यहाँ से, तो भाई चलिए चलते हैं यहाँ से अब, और बाइक का नाश्ता काफ़ी अच्छा था, नाश्ता मज़ा आ गया एक नंबर, और टेस्ट था वो भी एक नंबर, जैसे बताया मैंने आपको
कुराली वाईफाई सही है, आप आते हो चेक कर सकते हो। और बाकी निकल चुके हैं हम, आपको सावधान रहें स्कैमर से, कौन फ्रॉड ज्यादा होते हैं। और आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन तो आपको विद इन अ सेकेंड आपको प्रिंट प्रो प्रिंट मिल जाए, पीडीएफ मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट कर सकते हो, किसी को सेंड कर सकते हो वहाँ से, आपको दिक्कत नहीं होगी। या आप किसी को ऑनलाइन वाले बोल सकते हो, वो आपको बना के दे देगा। अगर आप वहाँ से ऑफलाइन बनवाओगे शायद से वहाँ स्कैमर्स रहते हैं, तो इस चक्कर में वरना ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, कोई जाना वाला नहीं है उसमें अप्लाई करने के लिए। और लेह लद्दाख की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर अप्लाई करना है आपको। थोड़ा सा रेस्ट कर लिया है, कोई गर्मी ज़्यादा लग रही थी इस चक्कर में, और आराम पेड़ के नीचे आराम से रेस्ट किया, बढ़िया आधा पौन घंटा में रेस्ट किया आराम से। अब चल रहा है आगे की साइड, यहाँ से मनाली अभी 237 किलोमीटर दिखा रहा है और ऊपर जाना है ब्रिज पर हमें। सामने पहाड़ों की एंट्री ले सकते हो आप, सामने क्या ही नज़ारे पहाड़ों के, एक नंबर नज़ारे मस्त। यहाँ से कुछ दूर और बस फिर हमारी होने वाली है पहाड़ों में एंट्री, सामने ही पहाड़ देखेंगे इसको पार करते ही। वो है सामने पहाड़, क्या ही नज़ारा सामने का, एक नंबर नज़ारा मस्त, अलग ही नज़ारा आ रहा एक नंबर। चलते हैं पहाड़ों में और सुकून वाली ज़िंदगी में मज़े करते हैं, लद्दाख में और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इस ब्लॉग पर और इस सीरीज़ में बने रहे हैं आप और आनंद उठाएं इस ब्लॉग का और सीरीज़ का, पूरी मज़ा आ रहा है एक नंबर, और आप भी मज़ा उठाइए। यहाँ से हमारी एंट्री हो चुकी है हिमाचल में, अभी आगे हमें हिमाचल का बॉर्डर देखने को मिलेगा। यहाँ पर कार का टोल से लगता है, अब पता नहीं कार का टोल है। और ये है हिमाचल का बोर्ड, यहाँ से हमारी एंट्री होती है हिमाचल प्रदेश में। ये हमारी राइट की पहली टनल, देवभूमि हिमाचल में आपका हार्दिक स्वागत है। 1800 मीटर की टनल है, 1.8 किलोमीटर की। फर्स्ट टनल पार करते ही ये ऐसे पहाड़, क्या ही व्यू, और ये नदी सामने की। और ये टनल नंबर 2, इसकी लेंथ है 465 मीटर, मतलब आधा किलोमीटर भी नहीं है पूरी है, क्या ही मस्त व्यू सामने का नीचे का। इसी व्यू के लिए तो बाइक से आना पड़ता है ये नज़ारे, वरना कार से पहुंच जाओ आराम से वहाँ जाकर, ऑटो बस में चले जाओ, बस ही जाती है, लेकिन ऐसे व्यू नहीं मिलेंगे हमें। और इसी व्यू के लिए हम बाइक से आते हैं मज़े के लिए, और फुल मज़े मिलेंगे बाइक से। ये पहाड़ क्या नज़ारे, एक और टनल लगा हुई सामने ही, और ये व्यू, व्यू तो देखो देखते थक जाएंगे आप, और काफ़ी अच्छे अच्छे व्यू हैं, एक नंबर दे सकते हो सामने आप। यहाँ से शिमला है 82 किलोमीटर इस साइड साइड के लिए, और मनाली के लिए 170। ये रास्ता यहाँ से मुड़ना पड़ता है शिमला मनाली के लिए, और ये हमको लेफ्ट जाना है, मुड़ते हैं लेफ्ट में। तो यहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर लिया समथिंग, आधा पौन घंटा में रुका यहाँ पर, गाड़ी गर्म हो गई थी, गाड़ी ठंडा करने के लिए, और खुद भी गर्म हो गए थे हम, खुद को भी आराम दे दिया और गाड़ी को भी दे दिया। यहाँ से मनाली ले गया है 138 किलोमीटर, 138 किलोमीटर, और रूपनगर है यहाँ से 12-13 किलोमीटर, उसके आगे मंडी, देखते हैं रूपनगर में हमको प्रिंट आउट निकलवाना है, जो हमने परमिट अप्लाई किया था उसका वो प्रिंट आउट निकलवाना है उसके, और उन्हें कॉपी भी करवानी है, अलग अलग 5 कॉपी मांगी है, हमें 5 करके ले आनी है, कोई ले ले तो वहाँ जमा कर सकते हैं अपन, और फिर मंडी में कुछ खाएंगे उसके बाद आगे चलेंगे खाने के बाद। पहले चलते हैं यहाँ से और इस व्यू को आन लेते हुए, काफ़ी अच्छा व्यू एक नंबर देख सकते हो आप, ये व्यू ये नज़ारा मस्त एक नंबर। यहाँ पर प्रिंट आउट भी पूछा तो पता चला यहाँ पर कल से लाइट ही नहीं है, अब बोल रहा है मंडी में देख लो, देखते हैं अब यहाँ पर लाइट ही नहीं कल से, मतलब बिना लाइट के रहते, पता नहीं कैसे रहते हैं बिना लाइट के। ये फोटोकॉपी की दुकान और प्रिंट आउट यहीं से निकलवा ली है, टोटल 65 रुपये के 6 सेट हो गए हैं, 5 रुपये कॉपी और सॉरी 5 रुपये प्रिंट आउट और 3 रुपये कॉपी बोल रहे थे भैया, वो ठीक है 65 रुपये में टोटल
सही हो गया, अब चलते हैं यहाँ से, अपना काम हो गया जो मेन काम था, वरना दिक्कत आ जाती कहीं ना कहीं। चलिए चलते हैं आगे, अब खाना खाने रुकेंगे, देखते हैं खाना खाने के लिए होटल वगैरह कुछ। यहाँ से समथिंग 100-110 किलोमीटर रह गया मनाली, ठीक है वहाँ से आराम से पहुँच जाएंगे। अभी 4 बजे हैं, 4:30 बजे अभी तो यहाँ कोई टाइम नहीं हुआ, 7-8 बजे तक आराम से पहुँच जाएंगे। बाकी धीरे चल रहे हैं अब तो जी, आ चुके हैं मंडी टाउन। इधर से जाओगे तो मंडी टाउन आ जाएगा पूरा रास्ते, इधर से भी लेकिन पहाड़ों के ऊपर से, ये वाला नहीं आगे वाला रास्ता है मेन रोड, ये पूरा मंडी टाउन का इधर रास्ता। और मैं जाना राइट के लिए कुल्लू मनाली, मनाली यहाँ से 107-108 समथिंग रह गया है। हिस्टोरिकल गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी गुरुद्वारा बना हुआ है यहाँ पर, मनाली जाने वाले। और मंडी वाला रास्ता वो तो अलग है, वो लेफ्ट साइड में था, और भी वैसे चल रही साथ साथ में। ये आ चुका है कच्चा रोड ऑफ रोडिंग, ये रास्ता जो लैंड साइड होती है तो ख़राब हो जाता है हर बार इस चक्कर में, जिसकी रोड बनी नहीं पाती अच्छे से। पाइप लगा रहे हैं नीचे पानी निकालने के लिए, और पाल काट रहे हैं साइड से। ओ माय गॉड, थोड़ी आराम चल रहे हैं हम, और सामने का व्यू देख सकते हो आप, एक नंबर नेक्स्ट लेवल व्यू। यहाँ से थोड़ा नहीं, थोड़ा बहुत रास्ता है कच्चा, क्योंकि ये पाल गिरते हैं इस चक्कर में। लास्ट टाइम हमारे तो यहाँ पर तो एक JCB पे पूरा पाल गिर गया था। ये पहाड़ों की साइड से रोड क्या मज़ा आ रहा है, एक नंबर। और सामने का व्यू कैसे कैसे घर बने हुए देख सकते हो आप, एक कहीं, और छोटी सी रोड है इसमें जाना पड़ता है, एक उधर बना, ऐसे ऐसे बने हुए हैं। और जो नज़ारा एक नंबर, पूरा व्यू रोड अच्छी भी आती है ख़राब भी आती है, लेकिन बढ़िया है फिर भी पहाड़ों के हिसाब से। मनाली 86 किलोमीटर ले 512 किलोमीटर, 512 किलोमीटर। अभी ये टनल बन रही है, अजीब वाला रास्ता इसमें से हो जाएगा तो काफ़ी कम हो जाएगा, शॉर्ट में से पहाड़ निकल जाएंगे। अभी घूम के जाना पड़ता है पूरे पहाड़। ये आ चुकी है टनल नंबर 11, और ये टनल रेडी हो रही है, ये वाली ये रेडी हो जाएगी तो बहुत सारा टाइम बचेगा जो घूम के आने का है, कुछ ही टाइम में इधर आ जाएंगे। इसमें लाइट वगैरह प्रॉपर लगी हुई हैं। ये तो गाइस दो टनल कनेक्टेड, इसमें टनल नंबर 11 और 12, और 4 किलोमीटर टनल कम से कम, 4 किलोमीटर। ऐसे एक और टनल थी टनल नंबर 13, इसकी लंबाई है 1.4 किलोमीटर। 3 टनल कनेक्टेड हैं, एक के बाद एक। तो गाइस यहाँ पर रेस्ट ले लिया है, अभी हमें 13 किलोमीटर पहले और कुल्लू जाएगा यहाँ से 23 किलोमीटर, और मनाली आज से धीरे लग गया है यहाँ से मनाली। तो यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, गाड़ी भी काफ़ी गर्म हो चुकी है, और इंजन का ऑयल भी थोड़ा तेज पतला हो गया है तो निकल रहा है क्लच की वजह से, देख सकते हो आप यहाँ पर इंजन का ऑयल निकल के आ रहा है, और इसलिए यहाँ पर रेस्ट लेते हैं आधे घंटे का। और पहले मोमोज देखें तो मोमोज खाते हैं यहाँ पर, मोमोज जो भी है देखते हैं पहले क्या है क्या नहीं है। बाकी काफ़ी यहाँ थक गए, अभी कंटिन्यू चलाते हुए आ रहे हैं, और हमारा समथिंग 275 किलोमीटर हो चुका है यहाँ तक। चलिए चेक करते हैं क्या भैया, बस और लेते हैं मोमोज ले सकते हो आप। सोयाबीन की दाल है, सोयाबीन की दाल बढ़िया टेस्ट खाते हैं ये, अपना चटनी के साथ खाते हैं, टमाटर और लहसुन और अदरक धनिया। वो मोमोज चटनी, मोमो चटनी हुई वाली, मोमो चटनी हुई वाली, हाँ सिद्धू लगवा लो, तो सिद्धू एक लगवा लो, एक लगा दो, ये रखे हुए हैं सिद्धू, काफ़ी बड़े बड़े हैं, 70 रुपये की प्लेट है मोमोज, उसमें 12 पीस हैं, और 60 रुपये के सिद्धू है एक, भैया बना रहे हैं देखते हो आप। यूट्यूब पे डालते हो, तो देख सकते हो आप। और चलो जी वहाँ हिमाचल में काफ़ी चलता है, और वीडियो रील्स वगैरह काफ़ी आता है, तो आप ट्राई करते हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम। टेस्ट अच्छा है, मोमोज जैसा है, अच्छा है, काफ़ी मज़ा आ गया इसमें। कई फीलिंग होती है इसमें, हाँ इसमें फीलिंग यही अपना सुपर फाइन आटे का बनता है, ये बढ़िया है काफी। सुपर फाइन आटा मतलब सुपर फाइन आटे का, यानी अच्छा वाला आटा, सबसे बढ़िया वाला उसका ये बनाया जाता है, काफी टेस्टिंग भी बनता है अच्छा वाला। और इसके साथ अपना अखरोट भी डालते हैं, लेकिन अखरोट ज्यादा महंगा होता है ना, तो इसलिए उसका भी स्वाद थोड़ा कुछ और अच्छा होता है, मतलब बढ़िया होता है उसका स्वाद अखरोट का, लेकिन वो महंगा होता है। और ये सोयाबीन की दाल, इसमें टेस्ट अच्छा है,
मतलब जैसे इसका आधा कोई मांगेगा तो 20 का काट के कोई कोई बंदे आते हैं उनको देना पड़ता है ऐसा है। बाकी तो ये 60-70 आगे जाओगे मनाली में 100 रुपए का पाओगे। हिमाचल का जो मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हिमाचल में ना ठंड बहुत अच्छा होती, यहाँ गर्मी नहीं होती ना तो मच्छर नहीं लगते, मच्छर भी नहीं होते, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। ये चीज मुझे बहुत पसंद आया हिमाचल का। तो वैसे मोमो से आगे और तरीके के देख सकते हो आप, काफी बड़े बड़े यहाँ के मोमोज काफी बड़े हैं। काफी रेस्ट कर लिया यहाँ पे हमने, 1 से 1.5 घंटा। अब निकलते हैं यहाँ से, अब पेट ही भर गया हमारे यहाँ तक। हमने इसके बाद टिक्की पी ली थी, टिक्की पी ली, उसमें अलग ही स्वाद था यहाँ का। अब पता नहीं उनकी अच्छी थी, यहाँ की अच्छी टिक्की है, और उसमें आलू वगैरह कुछ नहीं था, नॉर्मल टिक्की थी। मनाली 15 किलोमीटर रह गया यहाँ से, तो 1 घंटे 1.5 घंटा लगेगा यहाँ से आराम से चलना है इस चक्कर में, वरना चलाएंगे तो जल्दी पहुँचाएंगे, जल्दी नहीं हमें आराम से चलेंगे, और नाइट हो गई तो चलना गड्ढे वर देख के चलना पड़ेंगे इस चक्कर में। तो गाइस देख सकते हो आप क्या ही नज़ारा, एक नंबर पहाड़ होगा तो घर बने हुए ऊपर तक, कितने ऊपर तक लाइट जल रही है। और इस शहर का नाम है बुंतर, काफ़ी बड़ा शहर है बुंतर, यहीं से रास्ता बुंतर एयरपोर्ट के लिए, बुंतर यहीं जा सकते हो। मनाली 49 किलोमीटर, और राइट साइड में मणिकरण गुरुद्वारा है जो कि कसूल में है, कसूल यहाँ से 31 किलोमीटर देख सकते हो आप, 31 किलोमीटर कसूल नहीं है, कसूल पहले पड़ जाएगा उसके बाद मणिकरण गुरुद्वारा आगे जाके, तो उसके लिए यहाँ रास्ता यहाँ से राइट साइड में यहाँ से आते हैं। ओके आ चुका हूँ पहले मैं, उसकी वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, वो प्ले लिस्ट में पूरी, मनाली होते हुए मैं आया था और कसूल को कवर किया था उस टाइम में मैंने। और ये रास्ता है कसूल के लिए, राइट साइड में जाने के लिए ये रास्ता है सामने वाला, और ये बंदर के लिए, और ये मनाली के लिए सीधा वाला। तो गाइस ये एनवायरमेंटल फीस टूरिज्म हिमाचल प्रदेश, ये फीस कटी है 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, और 7 दिन किए गए। लास्ट ईयर था नहीं, और लेकिन हम पूछे लास्ट ईयर था नहीं, तो वो बोल रहे कि लास्ट ईयर पहाड़ में बह गया था ये। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो 7 को हम आए थे, हम तो यहाँ पे 9:30 बजे आ गए थे यहाँ पे हम, और बाकी पेट्रोल पंप बात की थी, लेकिन पेट्रोल पंप पर वही बोल रहे थे कि आप साइड में लगा दो, पेट्रोल पंप लगाओ, तो हमने उन्होंने जगह दे दी हमारी, हमने कहा यहाँ पर लगा लो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर हमने टेंट लगा लिया था, ये सकते हो सही, अभी लगा हुआ है टेंट यहाँ पर, अभी बैठाने वाले हम टेंट, क्योंकि शॉप है ये ओपन होगी अभी, वो बोल रहे थे कि जल्दी निकल जाना क्योंकि ये शॉप ओपन होगी 7 बजे बाद, हम रेडी होते रहे हैं, निकलते हुए यहाँ से। और कल कुछ ऐसा हुआ, इसकी सोचा था कि मैंने टैबलेट खाई और मुझे सिर और ठंड लगने लगी, यहाँ था सिर ठंड लगने लगी और वॉमिटिंग हुई, उसके बाद आराम मिला, पता नहीं क्यों बस शायद से टैबलेट खाने से, बाकी सब नॉर्मल था, सब अच्छा था यहाँ पर, लेकिन जैसे टैबलेट खाई उसके थोड़ी देर बाद 5 से 10 मिनट बाद रिएक्शन होने स्टार्ट हो गई, ठंड लगने लगी बहुत ज़्यादा, कप कपाल होने लगी, और उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद ठंड लग रही थी बहुत देर तक, फिर उसके बाद वॉमिटिंग हुई, उल्टी हुई, तो आराम मिला थोड़ा सा, और तो उसके बाद सोया हूँ मैं 1 बजे समथिंग, इसलिए आँखों में आँखों तेरा हुआ, थक गया हूँ बहुत, अभी भी थोड़ा वीकनेस फील हो रहा है, क्योंकि पूरा खाना निकल गया था कल, जितना भी खाया था 2 दिन का सब निकल गया, काफ़ी हिम्मत नहीं हो रही। और बाकी इस वीडियो में इंपेंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और इस व्यू को देख सकते हो सामने, सामने आप स्नो कवर्ड माउंटेन दिख रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें डली हुई है, और बाकी इस व्यू के साथ देख सकते हो आप, देव डॉगी फिर यहाँ पर कितने साइड डॉगी हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तकलीफ आ रहा है।